करौली जिले से 30 किलोमीटर दूर नीदर पंचायत। नीदर पंचायत में दिनों दिन वनों की कटाई के कारण वहां का भूजल स्तर दिनों दिन नीचे गिर रहा है। भूजल स्तर नीचे गिरने के कारण वहां के लोगों का जीवन अंधकार में डूब रहा है। आज मिलते हैं गांव के सरपंच पंचों से, क्या कारण है कि वहां का भूजल स्तर नीचे जा रहा है? क्या कारण है कि आपके यहाँ पे बारिश की वजह से परिवर्तन हो रहा है? पहले काफ़ी बारिश होती थी, यहाँ नदी नालों में काफ़ी पानी रहता था, गर्मी के दिनों तक पानी रहता था। लगातार जंगलों की कटाई और ये बदलता हुआ मौसम यहाँ के लगभग इस क्षेत्र की खेती को प्रभावित कर रहा है। जंगलों की कटाई कौन कर रहा है आपके यहाँ? जंगलों की कटाई यहाँ के लोकल लोग जलाने के लिए लकड़ी के वास्ते और रोजगार के लिए, यहाँ रोजगार के कम साधन होने की वजह से लकड़ी काट कर लोग मार्केटों में बेचते हैं और इससे अपना जीवन यापन करते हैं। यदि इन गांवों में पूर्णतः बरसात नहीं होगी और इसी तरह जंगल कटते रहे तो एक दिन इन गांव के लोगों को अपने गांवों को छोड़कर दूसरी गांवों में विस्थापन करना पड़ेगा। इससे यहाँ के लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव यही है कि अपन जीव वनस्पति खत्म हो रही है, बीमारी भी बढ़ती है, बरसात भी कम होती है। बरसात होने का कम होने का क्या कारण है? वनस्पति नष्ट हो रही है, ये पेड़ पौधे कट रहे हैं तो स्वतः ही बरसात कम होगी। उसको रोकने के लिए क्या उपाय किया आपने? अभी रोकने के लिए तो ये है कि हम सभी मीटिंग करें, इसका संशोधन करें तो पेड़ पौधे नहीं कटें और हमारे लिए कोई ऐसी चीज उपलब्ध हो, गैस सिलेंडर है तो हम उससे खाना बनाएं, हमारी लकड़ी सूते कम हो जाए। मेरा मानना है कि ऐसे गांवों के लिए सौर ऊर्जा वाले चूल्हों का उपयोग करना चाहिए एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहां जाकर सेंचुरी वाले एरिया में गांवों में जागृति पैदा करनी चाहिए, जिससे वनों को बचाया जा सके और भूजल स्तर नीचा न गिरे। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।